अपने दिनों में पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा जो सरकार के लिए विश्वास मत प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव आया है, हम उसका समर्थन करते हैं। महोदय, समर्थन हम लोग इसलिए करते हैं, एक दो बात आई है, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि समय भी आप नहीं देते हैं। सबसे पहले माननीय तेजस्वी प्रसाद जी को मैं कहना चाहता हूं, जो इंगित करके मुझे कह रहे थे, उनको जवाब मैं देना चाहता हूं कि संगति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिसके संगत में हम रहेंगे तो जरूर हमारी मानसिकता में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ जाएगी। तो निश्चित रूप में जिस प्रकार से हमारे तेजस्वी जी और उनके साथी लोग हैं, और आज बिहार में जिस प्रकार से 2005 के पहले की स्थिति पैदा कर रहे थे, जिसकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री कई एक बार तेजस्वी जी के सामने मीटिंग में कहा कि भाई मैं 2005 के पहले की स्थिति नहीं आने दूंगा, और इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि आज वो स्थिति नहीं आवे, इसके लिए उन्होंने आज बदला है और एनडीए का साथ दिया है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं महोदय। और दूसरी बात महोदय, हमें सामवादी और प्रगतिशील विचार के साथियों पर तरस आती है। कभी नहीं उन्होंने कहा कि जितनी परचाएं यहां पर इशू हुई है और जो रसीद कटा करके बैठे हुए हैं, सैकड़ों सैकड़ों एकड़ जमीन किसके कब्जे में है, ये बताने का काम इन लोगों ने नहीं किया है आज। और यही कारण है कि हम नीतीश कुमार से कहा करते हैं, आज भी हम कहेंगे कि आप कई 1,00,000 एकड़ जमीन बांटे हैं, पर्चा मिली है, रसीद कटा रहा है, लेकिन उस पर कब्जा उनका नहीं है। और मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं कि चूंकि गांव घर में मैं रहने वाला हूं, चाहे 3 डिसमिल जमीन का मामला हो या 1 एकड़ जमीन का मामला हो, चाहे भूदान से हो, सीलिंग से हो, बिहार सरकार की जमीन हो, वो 100 में 90% जमीन राष्ट्रीय जनता दल के साथियों के कब्जा में है। इसको छुड़वाने के लिए नीतीश कुमार जी ने जो एक्शन लिया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यही कह करके, चूंकि समय मेरा नहीं है, यही दो विचार कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।